आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ इस मेसी से ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज क्लीन और देने वाली हूँ उसे अच्छा सा मेकओवर, वो भी बजट में रहते हुए। इस वीडियो में मैं सिर्फ दो ऑर्गेनाइजर का और एक डेकोरेटिव आइटम का यूज करूंगी और जो कंप्लीट लुक है ना इसका वो चेंज हो जाएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस मेकओवर के लिए। फाइनल लुक देखने के लिए ना आप भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। Assalamu alaikum everyone, I hope you all are doing great and welcome back to my YouTube channel. So thumbnail se aapko samajh mein aa gaya hoga ki aaj ki video mein mujhe karna hai is dressing ko organize. Basically yahan pe bahut sara samaan ho gaya hai to बहुत ज़रूरी है कि उसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए। ड्रॉर्स को हम नहीं करेंगे ऑर्गेनाइज़ क्योंकि बेसिकली अच्छे से ऑलरेडी सेट है और मोस्टली जो मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है ना वो इन्हीं आइटम्स को करना है। एंड आई वांट टू कीप मोस्ट ऑफ द आइटम्स हियर, बस कुछ आइटम्स हैं जैसे मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूँगी मेरे साइड कॉर्नर्स पे, साइड टेबल्स पे। बेसिकली वो आइटम्स जो कि मैं नाइट टाइम पे करती हूँ यूज़, तो उसे फिर मैं वहाँ पर शिफ्ट कर दूँगी। ये दोनों ऑलमोस्ट एम्प्टी है, बट इट्स कम्प्लीटली एम्प्टी। तो यहाँ पर एक और वहाँ पर भी जो ना इसी तरीके से साइड ड्रॉर्स है, तो कुछ आइटम्स जो हैं मैं बेसिकली यहाँ पर शिफ्ट कर दूँगी। इन सब में ना मैं सिर्फ दो ऑर्गेनाइजर्स को यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ टू ऑर्गेनाइजर्स ही है। एंड मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादातर आइटम्स ना मैं यहीं पर ऊपर ही रखूँ और कुछ आइटम्स मैं वहाँ पर शिफ्ट कर दूँ। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पर से सारी चीज़ें रिमूव कर दूँगी, इसे बिल्कुल जो है ना एम्प्टी कर दूँगी। और ज़्यादातर ना चीज़ें यहाँ पर वही है जो कि मुझे ऊपर रखनी है, बस बहुत ही कम चीज़ें हैं जो कि मुझे वहाँ साइड कॉर्नर पे रखनी है, वो चीज़ें जो नाइट केयर में मेरी यूज़ होती है। कुछ आइटम्स मैं यहाँ ड्रॉ में रखूँगी, बहुत ही कम आइटम है वो पर है, जैसे कि वहाँ पर टैल्कम पाउडर है, रोल ऑन्स है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना मेरी डेली बेसिस पर यूज़ नहीं होती, वो वंस इन अ मंथ यूज़ होती है जब मुझे वैक्सिंग करनी होती है। इसके अलावा सारी चीज़ें मोस्टली मुझे ऊपर ही रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ज्वेलरी है जो कि मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी बिकॉज मैं ज्वेलरी यहाँ पर नहीं रखती अपने ड्रेसिंग टेबल पे, वो कहीं और रखती हूँ। इंशाल्लाह आपको उसका भी टूर किसी दिन दूंगी। एंड इन सब परफ्यूम्स में से ना कुछ परफ्यूम्स एंड लोशंस जो है मैं अपने साइड ड्रॉअर में रख दूँगी बिकॉज उसे मैं नाइट टाइम पर यूज़ करती हूँ। क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, बट सबसे पहले ना मैं यहाँ पर से ये कम्फर्टर रिमूव कर दूँगी, इसे थोड़ा सा आगे कर दूँगी बिकॉज मैंने वैसे ही ये बेडशीट चेंज करनी है, तो ताकि यहाँ पर हम सामान रख सकें अपना। यहाँ पर ना ये बहुत सारी लिप ग्लॉसेस वगैरह ऑलरेडी है, इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, मेकअप स्पंजेस है, तो इन सबको जो है सबसे पहले मैं रिमूव कर देती हूँ। और वो चीज़ें जो मैंने यहाँ पर और हटानी है ना, तो उसको सब मैं यहाँ पर हटा देती हूँ। इसके लिए मेरे पास बेसिकली एक ऑर्गेनाइजर है, तो फिर हम उसको उसी हटा लेंगे। एंड दिस थिंग आई गेस दिस इज इट। सेकेंड चीज़ ना यहाँ पर जितनी भी नेल प्रिंट्स है ना मैं सब उसे रिमूव कर दूंगी। अब मैं अपने यहाँ पर सारा मेकअप आइटम रिमूव कर दूँगी एंड इसे सेपरेटली रख दूँगी क्योंकि ये वो आइटम है जो कि मुझे अपने ड्रेसिंग टेबल पे ही ऑर्गेनाइज़ करना है, तो मैं बिल्कुल उसको सेपरेटली रखूँगी। मेरे जितने भी कॉम्पैक्ट पाउडर फाउंडेशंस वगैरह यहाँ पर है मैंने सारे रिमूव कर दिए हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ मैं यहाँ पर जितने भी परफ्यूम्स एंड बॉडी स्प्रेज है उसे सब साथ में रख रही हूँ। परफ्यूम्स के बाद तो मैं यहाँ पर से सारा स्किन केयर आइटम रिमूव कर रही हूँ और उसे एक जगह पर सेपरेटली रख दूँगी। इसके बाद ना जितना भी एक्स्ट्रा सामान था ना वो सब मैंने एक जगह पर रख दिया था। आई विश जितना जल्दी ये वीडियो में रिमूव हो रही है ना चीज़ें, इतनी जल्दी ना एक्चुअली में भी हो जाती है, बट एक्चुअल में ना ये बहुत सारा सामान था और इस बात की मुझे सही रियलाइजेशन तब हुई जब मैं इसे रिमूव कर रही थी। तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली एम्प्टी हो गया है, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब सारी चीज़ें जो है ना मैंने यहाँ पर से रिमूव कर दिए हैं। अब बस यहाँ पर से कुछ स्टिकी नोट्स रिमूव करने थे, इसमें बेसिकली मैंने अपने गोल्स मेंशन किए हुए थे और ये ना मैं निकाल रही थी, मुझसे निकल ही नहीं रहा था, बहुत टाइम लग गया था मुझे निकालते हुए। एंड जब निकला भी ना तो उसका बहुत ही गंदा निशान पीछे छूट गया था। तो अच्छा, तो मैं सारी चीज़ें ना यहीं पर बेड पर रख दी बिकॉज ये जो है बहुत करीबी है ड्रेसिंग, तो मैं यहीं पर रखने वाली हूँ सारी चीज़ें। मैंने सब अलग अलग कर दिया है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने सारी परफ्यूम्स को रख दिया है, ये रही परफ्यूम्स, इसमें से शायद एक आध मैं अंदर ड्रॉअर में डाल दूँ, बाकी सब मैंने यहीं पर रखनी है। इसके अलावा ये है फाउंडेशंस, मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना ऊपर ही रखनी, इसमें से कुछ भी मैंने अंदर नहीं रखना। ये रही मेरी सारी लिप ग्लॉसेस, मेरे मस्कारा, आईलाइनर, इसको तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना ज़रूरत है क्लीनिंग की।
ये जो कुछ आइटम है ट्रैवल टाइम पे काम आते हैं तो मैं इसे अपनी ट्रैवल किट में डाल दूंगी। इसके अलावा कुछ बॉडी लोशंस जो है मैं अपने साइड ड्रॉअर में रखूंगी। इसके अलावा बाम वगैरह भी मैं अपने साइड ड्रॉअर में रखूंगी बिकॉज वो सोते हुए काम आते हैं। इसके अलावा फेस लोशन जो है ना वो मैं ड्रेसिंग टेबल पर रख दूंगी। टीवी का रिमोट, माउस एंड एयरपॉड्स मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने साइड ड्रॉअर में ही रखूंगी। बाकी यहाँ पर ना कुछ मिसेलेनियस चीज़ें जैसे कि मेरा सनब्लॉक हो गया, क्रीम हो गई और ये जो है सैनिटाइज़र हो गया। इसके अलावा वॉच हो गई। अच्छा इसमें वॉच है, बाकी मेरी सारी जो है आइटम्स ज्वेलरी वो सब अलग जगह पे है। सिर्फ वॉच मैं अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखती हूँ बिकॉज मैं रेगुलर बेसिस पर पहनती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर हेयर क्रीम है, कैचर्स हैं, मेरे कैचर्स मैं अंदर डाल दूंगी। इसके अलावा सिरम है जो कि मैं डेली बेसिस पर यूज़ करती हूँ, मुझे इसे ऊपर ही रखना है क्योंकि मैं डेली बेसिस पर ऑलमोस्ट यूज़ कर रही होती हूँ। इसके अलावा वहाँ पर जो है कुछ आइटम है, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन अप करूँगी। सारे पैंस वगैरह जो है ना ये सब मैं अंदर डाल दूंगी। आई थिंक क्लीनिंग ना मेन पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का एंड फॉर मी ना इट्स क्वाइट बोरिंग एज वेल। बट अगर आपने क्लीन अच्छे से कर लिया, चीज़ों को सेपरेट अच्छे से कर लिया ना, तो सेटिंग में फिर आपको चीज़ों की मज़ा भी आती है एंड वो बहुत ईजीली भी हो जाती है। सो लेट्स जस्ट क्लीन इट फर्स्ट। सबसे पहले मैं ये सेट कर दूंगी। यहाँ पर मैं चीज़ों को चेक कर करके अलग कर रही थी। वो लिप ग्लॉसेस जो कि बस ड्राई होने ही वाले थे, ख़त्म होने वाले थे, बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो उसको जो है मैं वापसी इसी किट में डाल दूंगी। और वो आइटम जो कि मैं बहुत ज़्यादा रेयरली यूज़ करती हूँ जैसे कि ये कंसीलर्स वगैरह जो कि आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, तो उसे मैं वापसी यहीं पर डाल दूंगी। अदरवाइज़ जितनी भी चीज़ें हैं जो कि मैं रेगुलर बेसिस पर यूज़ करती हूँ उसे मैं अलग कर दूंगी क्योंकि उसे मुझे ऊपर ही रखना है। अगर आपके रूम में भी ना 24/7 एसी चल रहा होता है तो वो लिप ग्लॉसेस जो कि बिल्कुल ड्राई होने वाले हैं, जो कि ख़त्म होने वाले हैं, तो फिर आप उसे ऊपर मत रखा करें बिकॉज़ वो टेम्परेचर की वजह से जो है ना और ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाता है। यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं उन लिप ग्लॉसेस को वापसी इस ट्रैवल किट में डाल के अंदर ड्रॉ में रख दूँगी। वापसी इस ट्रैवल किट में डालने वाली चीज़ों को ना मैं अंदर डाल रही हूँ। और ये वो सारे ग्लॉसेस है जो कि मैं बहुत ही रेयरली यूज़ करती हूँ, जो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। इसके अलावा जो है कंसीलर्स भी मैं अंदर डाल दूँगी ट्रैवल किट में ही। सो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ अपना फर्स्ट ऑर्गेनाइज़र और इसमें सारे लिप ग्लॉसेस मैं ऐड कर दूँगी। इसके अलावा जो मेकअप आइटम्स है वो भी मैं इसी में जो है ना ऐड कर दूँगी। यहाँ पर जो बड़े लिप ग्लॉसेस थे उसको मैंने पीछे रखा था और जो चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ मेकअप आइटम्स की उसे मैंने फ्रंट पर रख दिया था। तो फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस मेकओवर में मैं सिर्फ एक ही डेकोरेटिव आइटम का यूज़ कर रही हूँ और वो है ये वैनिटी लाइट्स। ये वैनिटी लाइट्स और यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजर्स मैंने यूज़ किए हैं वो सब मैंने नून से लिए हैं। और अगर आप भी चाहे तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं मेरा प्रोमो कोड एशियन। इसकी कंप्लीट डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दी है। और वो तीनों आइटम्स जो कि मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं इस मेकओवर के लिए उसके प्राइसेस और लिंक्स भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं। इन स्टिकर्स को ना मैंने एलईडी बल्ब्स के पीछे लगा दिया था एंड देन मैंने वैनिटी लाइट्स लगा दी है। और यहाँ पर ना अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना सेकेंड ऑर्गेनाइज़र, इसे 360 रोटेटिंग मेकअप ऑर्गेनाइज़र कहते हैं। लेट्स सी कि इसमें सारी मेरी आइटम्स जो है आ सकते हैं या नहीं आते। यहाँ मैं अपना वो सारा सामान रख रही हूँ जो कि मुझे अपने सेकंड ऑर्गेनाइज़र में रखना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ना मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये सारा सामान मेरे एक ऑर्गेनाइज़र में एडजस्ट हो जाएगा एंड लेट्स सी कि एडजस्ट होता भी है नहीं होता। इसे मैंने ना एज पर माई नीड एडजस्ट कर लिया है। तो यहाँ मैं जितने भी पहले बेक आइटम्स थे ना उसे डाल रही थी। इसके बाद जो है मैं ट्राई एंड एरर पीसेस पे जो है चीज़ों को डाल रही थी, देख रही थी कौन सी चीज़ कहाँ पर एडजस्ट हो सकती है, कौन सी चीज़ कहाँ पर सही से आ सकती है। कि मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है कि इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी ऑर्गेनाइज़र ना देन गो फॉर दिस वन बिकॉज ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। इसमें इतना सारा सामान आ गया था जितना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लेट मी शो यू।
इस पे ना मेरा मेकअप रिमूवर नहीं आया था, वरना बाकी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो गई थी एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ अपने इस ऑर्गेनाइजर से। भी हमारा ऑर्गेनाइज हो गया था तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। दो चीज़ें हमारी बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई हैं। लोशन अगर की बिट हियर ताकि मैं सोते वक्त यूज़ कर सकूँ। दिस इज़ अ वेरी नाइस सेंटेड लोशन और मेरा बहुत ही फेवरेट लोशन है ये, और इसे ना मैं बिल्कुल आराम से जब बेड पर बैठी होती ना तब मैं अपने लोशन अप्लाई करती हूँ, तो इसे भी मैं यहीं पे रख दूँगी। इसके अलावा मैंने यहाँ पर अपनी एक परफ्यूम रख दी है, एक परफ्यूम मैंने अपने हस्बैंड के लिए रख दी है। बाय द वे ये परफ्यूम भी बहुत अच्छी है, 1 मिलियन इसका नाम है। यहाँ पर मैं एक और परफ्यूम रख रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। इसके अलावा ना मैं बाम रख रही हूँ बिकॉज समटाइम्स ना नोज़ ब्लॉक हो जाता है जब हम सो रहे होते हैं। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पर इसे क्लीन करके रख दिया है। अक्सर ना ऐसा होता है हम टीवी देखते हैं आ जाते हैं बेड पे और हम अपना रिमोट और माउस भूल जाते हैं ड्रेसिंग टेबल पे ही, तो इसे भी मैं अब अपने साइड ड्रॉअर में रख दूंगी। इसके अलावा यहाँ पर मैंने अपनी वॉच और हेयर क्रीम रखी है, ये हेयर क्रीम भी बेसिकली मेरे हस्बैंड की है। इसके अलावा मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए परफ्यूम रख दूंगी। इसे ये परफ्यूम मेरा मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये जी डॉट की शुएब मलिक है जो कि रेगुलर बेसिस पर मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं। अच्छा यहाँ पर ना मैंने वैसलीन को यहाँ स्मॉल कंटेनर में निकाल दिया है और इसे मैं यहाँ पर रख दूंगी। इसे मैं डाल दूंगी ड्रॉअर में। यहाँ ना मैं अपनी सारी नेल पेंट्स सेट कर रही हूँ, कुछ नेल पेंट्स मैंने अपने ड्रॉ से भी निकाल दी थी तो वो भी सब यहीं पे सेट कर दूंगी। सो फाइनली ये ऑर्गेनाइजर कम्प्लीटली सेट हो गया है। ये माइथिक ऑयल है जिसे मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, वरना ट्वाइस इन अ वीक तो ज़रूर करती हूँ, तो इसे ना मैंने यहाँ पर छोटी बॉटल में निकाल दिया है। ये बेसिकली मैंने ट्रैवल के लिए ली थी बट अब मेरे यहाँ पर काम आ रही है, तो मैं यहाँ पर इसे अपने ऑर्गेनाइजर में रख दूँगी एंड जो माइथिक ऑयल की बिग बॉटल है ना उसको मैं अंदर ड्रॉअर में रख दूँगी। ये ना मुझे ऊपर अच्छी नहीं लग रही थी सीरम की बॉटल, तो फिर मैंने थोड़ी सी यहाँ पर सेटिंग चेंज की है। क्रायलॉन स्टिक मैंने नीचे डाल दी है, उसकी जगह पर मैंने सीरम रख दिया है, और जहाँ पर मैंने क्रायलॉन स्टिक डाली है ना वहीं पर मैंने मिंट्स भी रख दी थी। यहाँ पर मेरे जितने भी डर्टी स्पंजेस थे ना उसको मैंने रख दिया है, इसे मैं शायद बाद में क्लीन कर लूँ या फिर मैं इसे थ्रो कर दूँ, और बाकी जो यहाँ पर क्लीन स्पंज था ना वो मैंने इसको ऑर्गेनाइजर में ही रख दिया। यहाँ पर मैंने रीड डिफ्यूज़र रख दिया है, इसके अलावा मैं यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें रख रही थी। यहाँ पर ना 180 मिलीमीटर लाइट्स का रिमोट था और इसके अलावा कुछ चीज़ें बच गई थी तो उसको मैं रख दूँगी। इसके अलावा बस यही चीज़ें फेंकने के लिए निकली है, अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें काम की थी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ थोड़ा सा आइटम है जो कि मैं बहुत ही रेयरली यूज़ करती हूँ, कुछ ड्राई हुए लिप ग्लॉसेस है जो कि बस एक दो बार जो है शायद यूज़ हो जाएगी। इसके अलावा बहुत ही कम ये जो है ना कंसीलर्स वगैरह यूज़ होते हैं तो इसे जो है मैं अंदर रख दूँगी। इसके अलावा मैं एक यहाँ पर परफ्यूम है जो कि मैं यूज़ नहीं करती तो वो मैं अंदर रख दूँगी। बेसिकली ये न्यू परफ्यूम है तो अब तक मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है तो इसे मैं अंदर रख दूँगी। इसके अलावा ये हेयर क्रीम भी मैं अंदर रख दूँगी क्योंकि ऐसी ही छोटी हेयर क्रीम मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रखी हुई है। यहाँ के आइटम्स आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, यहाँ पे 2-4 परफ्यूम्स है, रिमोट एंड माउस है, एयरपॉड्स है, इसके अलावा बाम है, दैट्स इट। मेरा ड्रेसिंग मेकओवर हो चुका है यहाँ पर एंड आई एम सो हैप्पी, और बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था ना वैसा ही टर्न आउट हुआ है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको कैसा लगा, लेकिन वीडियो को भी एंड मत कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं आपको वीडियो एंड करने से पहले इसका बिफोर एंड आफ्टर भी दिखाऊंगी एंड ये लाइट्स ऑन करके दिखाऊंगी। तो ये है इसकी लाइट नंबर 1 एंड मैंने ना बाद में देखा था कि इसमें सिर्फ ब्लू रेड एंड ग्रीन लाइट्स भी ऑन होती हैं। तो ये है इसका डे लुक एंड लेट मी शो यू इट नाइट लुक एज वेल। सो ये है नाइट लुक, लेकिन ये भी ना कंप्लीट नाइट लुक नहीं है, सो लेट मी जस्ट क्लोज द स्टोर फर्स्ट एंड ये है इसका कंप्लीट नाइट लुक। जिस तरह से मैंने आपको कहा था ना कि मुझे ज़्यादातर चीज़ें यहीं पे चाहिए बट मुझे क्लीन चाहिए यहाँ पर एम्प्टी स्पेस भी हो, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ है। यहाँ पर मैंने 2 ऑर्गेनाइजर्स यूज़ किए लेकिन उसमें मेरी कंप्लीट चीज़ें बहुत ही इजीली आ गई है एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका बिफोर एंड आफ्टर लुक। तो ये है बेसिकली इसका बिफोर लुक कि कुछ इतना मैसी सा था, इतना अनऑर्गेनाइज था, एंड ये है आफ्टर लुक। सो लेट मी नो कि आपको ये ट्रांसफॉर्म कैसा लगा एंड अगर कुछ और भी आपके सजेशंस है तो वो आप मुझे दे सकते हैं नीचे कमेंट्स पे एंड आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं सबको रिप्लाई करूं। सो आई रियली लाइक दिस मेकओवर, प्लीज़ लेट मी नो बिलो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे अगर आप न्यू है ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।